तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें कहते हैं ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल विद हॉरिजेंटल फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड है, ये अर्थ है, और ये अर्थ है, ये प्लस एक्स है, और ये यहाँ से ये प्लस वाई है। तो ये 0,0,0, अब यहाँ से एक बॉडी जो है वो प्रोजेक्ट हो रही है ग्राउंड से कुछ एंगल पे। तो जब हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो ये बॉडी ऐसे जाएगी, तो ये बॉडी ऐसे जाएगी और ऐसे। तो यहाँ से देखोगे कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किए, ये एंगल थीटा है। तो ये जो है ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक ना। क्योंकि अर्थ पर मैं मिनिमम ले रहा हूँ, क्योंकि हाइट ए ईएच है प्रोजेक्टाइल में, तुम पढ़े होगे। और यहाँ पर जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा है, जो कि कभी चेंज ही नहीं होती है। और वर्टिकल वाली यू साइन थीटा यहाँ पर है, धीरे धीरे ये डिक्रीज होगी और फिर ये मतलब जाके इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो ये सीनरियो आप जानते होगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, जी बिल्कुल सही है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, मास एम जी और एच। तो मास एम जी एच की वैल्यू यू स्क्वायर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और उसकी वैल्यू ये वाली होनी चाहिए। तो इसका मतलब है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। जी बिल्कुल, हॉरिजेंटल कंपोनेंट वाला वेलोसिटी कभी जीरो होता ही नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मिनिमम होगी वर्टिकल वाली का हाईएस्ट पॉइंट पे। तो मोमेंटम मिनिमम होगा भाई वर्टिकल वाला हाईएस्ट पॉइंट पे, जिसकी वैल्यू जीरो होगी। तो ये भी गलत होगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट पे, बिल्कुल गलत बात। काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली काइनेटिक जो नॉन जीरो है, आप एम बी स्क्वायर। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।